जय श्री राम मित्रों, मैं रघुवीर सिंह जाडेजा आज 6 दिसंबर भगवा दिवस पर आप सभी हिंदुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन हम हिंदुओं ने मिलकर एक ऐसा बड़ा काम किया था जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। हमने बाबर के द्वारा बनाई गई बाबरी मस्जिद को आज के दिन ध्वस्त किया था। देखिए मित्र, मस्जिद तो ध्वस्त हो गई लेकिन उसके बाद जो कार्य हमें करना था वो आज भी नहीं हुआ। देखिए अयोध्या के जो हुतात्मा है जिन्होंने इस महान कार्य को सफल बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे कोठारी बंधु माननीय श्री अशोक जी सिंघल जिन्होंने आजीवन यह स्वप्न देखा कि वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो, लेकिन हिंदुओं में संगठितता का अभाव इसके कारण आज भी हम राम मंदिर नहीं बना पाए हैं। राम मंदिर के नाम पर सियासत हो रही है और राम मंदिर आज पार्लियामेंट का मुद्दा बन गया है। तो आप सभी हिंदुओं को आह्वान करता हूं कि आज भी विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्था जिसके अध्यक्ष माननीय श्री प्रवण भाई तोगड़िया अपने अथाग मेहनत कर रहे हैं, रात दिन यह कार्य कर रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बने, पर उसके इस कार्य को सफल बनाने के लिए हम सब हिंदू युवाओं को एक बार फिर से एक होकर जिस तरह से उस दिन 1.5 लाख हिंदुओं ने उस अतिक्रमण को हटाने के लिए एकजुटता दिखाई, फिर से हमें राम मंदिर बनाने के लिए वही एकजुटता दिखानी पड़ेगी। उस समय 1.5 लाख थे, आज हमें 10 लाख लोगों की जरूरत पड़ के भी कुछ भी हो जाए हमें राम मंदिर का निर्माण करना पड़ेगा। उसके साथ मैं आपको एक और बात भी कहना चाहूंगा कि देखिए हमारे हजारों मंदिर सरकार द्वारा हस्तगत किए गए हैं। जो भी चढ़ावा हम मंदिरों पर चढ़ाते हैं उस चढ़ावे का दुरुपयोग हज सब्सिडी और मदरसों के डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो हम सब हिंदुओं को मिलकर सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि हमारे मंदिरों को मुक्त किया जाए, तभी श्री राम का मंदिर तो निर्माण होगा ही, लेकिन ये जो हिंदू मंदिरों पर अवैध कब्जा है, सरकारी अवैध कब्जा, उसको भी हमें हटाने के लिए प्रयत्नशील होना पड़ेगा और हिंदुओं में एकता की भावना को उजागर करके सभी युवाओं को ये प्रयत्न करना चाहिए कि ये देश हिंदू राष्ट्र बने और भारत जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी इस विश्व में शांति हो सकेगी। इसके अलावा शांति संभव नहीं है। तो विश्व कल्याण के लिए भी इस महायज्ञ में जुट जाए और आज के दिन ये प्रतिज्ञा ले कि हम सब हिंदू मिलकर राम मंदिर का निर्माण करेंगे। इसके लिए हमें किसी भी सरकार की आवश्यकता नहीं है, हिंदू राम मंदिर बनाएगा और हिंदू ही राम मंदिर बनाएगा। जय श्री राम।